नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं इस समय मौजूद हूँ पाती में नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल में। यहाँ आज शिक्षा की चौपाल लगाई गई। चौपाल तो मैंने बहुत सारी की, हालांकि सारी की सारी राजनीतिक की। पहली बार शिक्षा को लेकर एक चौपाल करने जा रहा हूँ, तमाम लोगों से बातचीत करूँगा। ये पाती में शिक्षा की चौपाल का आइडिया क्यों आया? एक्चुअल में चौपाल करने का ये सबसे बड़ा, यदि मैं ये समझूं कि ये मुझे उत्सुकता कहाँ से मिली। एक बार मैं डॉक्टर राकेश पटेल सर से बात कर रहा था कि सर मेरा गांव शिक्षा में बहुत पीछे है और उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। जब सर ने बोला कि धीरे से शिक्षा को चालू करो, एक बार बोले कि शाम को चौपाल करते, समय गड़बड़ था, मैं सोचा सुबह चौपाल करता हूँ। और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति लोगों को संबोधित करेगा, मोटिवेट करेगा, तो निश्चित सी बात है कि लोग उसको पकड़ेंगे। पढ़ा लिखा आदमी अगर शिक्षा के बारे में बात करता है तो लोग निश्चित रूप से उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। शिक्षा को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, क्या लगता है आपको कि आज की तारीख में शिक्षा ज्यादा जरूरी है धर्म? जैसा कि आज देखा गया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। धन तो आदमी कहीं भी कमा सकता है, लेकिन शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। आदमी को हमेशा शिक्षा पे फोकस करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को अच्छी से बेहतर शिक्षा दी जाए। आप कॉलेज चलाते हैं, लगातार बच्चों के बीच में रहते हैं, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है, उसके हिसाब से हमारे जो समाज का जो वंचित और शोषित वर्ग है, जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहा है, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जिस स्तर पे काम कर रहे हैं समाज में, हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और शोषित पीड़ित समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शिक्षा बेहतर मुहैया करा सके, ये हमारा प्रयास रहता है। और निरंतर हम लोग समाज में जिस प्रकार से डॉक्टर राकेश पटेल जी टीच टू ईच के माध्यम से समाज में जो नई पीढ़ी है उनको तैयार करने का काम कर रहे हैं, आगे हम लोग भी उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, शिक्षा को लेकर ज़्यादा काम करेंगे। दो ऐसे शख्स जिनसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी, मैं बात करूंगा बिल्कुल इत्मीनान से, क्योंकि चिकित्सा के पेशे के बाद शिक्षा की अगर भी बात करते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर काफ़ी देर से एक गांव में बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बात। उसके पहले क्या कहेंगे आप तो टीचर हैं सर, शिक्षा को समझना ज़रूरी है। और आज हम पूरी तरीके से कट जाती है तो कोई इधर भागती है उधर भागती हवा के झोंके की तरह, तो आज हमारा समाज और शिक्षा भी इधर उधर भाग रहा है। हमारी मूल क्या है, हमको क्या सीखना चाहिए, हमको कुछ किसी को नहीं पता है। मूल क्या है ये हमें पता ही नहीं, पतंग की कटी डोर की तरह हम आज टहल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी कीमती वक्त निकाला, मुझे ऐसा लग रहा है रीवा शहर में आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता, यहाँ पर वक्त ही वक्त है शिक्षा को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि गांव में शिक्षा का स्तर बेहतर करने से बेहतर काम हो सकता है या शहर पे ही फोकस होना चाहिए? नहीं, हमेशा हमारा ग्रॉस रूट गांव में है। अभी भी लगभग 40-50% पॉपुलेशन गांव में रह रही है। अगर हम उस 40-50% लोगों को भाव नहीं देंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तो पूरा देश पतन की तरफ जाएगा, क्योंकि आधी जनता तो अनपढ़ रह जाएगी। तो पढ़ा लिखा वर्सेस अनपढ़, आपस में द्वंद्व हो जाएगा और पूरा देश बिखराव की तरफ जाएगा। तो गांव की जनता, गरीब लोग, उनके लिए हम सबको मिलके, जिनके पास भी संपन्नता है, जिनके पास भी किसी भी तरीके के रिसोर्सेस हैं, उनकी तरफ डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। सरकार करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो हम लोगों को नीचे तरफ आना पड़ेगा, तभी ये देश समाज। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यहीं से पैदा होता है, लेकिन कैसे, किस तरीके से? आप जैसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन पर आज के बच्चों का फोकस हो? आज तो नेताओं का दौर है, नेताओं के बारे में आज बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मोटिवेशन होना चाहिए? मोटिवेशन का तरीका ये है कि जैसे हर शहर में कुछ लोग तो हैं ही संपन्न, चार से, मतलब अगर हम रीवा का एग्जांपल लेते हैं तो रीवा में 2,500 के करीब गाँव हैं। कम से कम शहर में 5,000 ऐसे लोग होंगे जो 5 से 10,000 महीने खर्च कर सकते हैं अपने जीवन से निकाल के, वो इन गांवों को डाइवर्ट कर दें। तो एक उसको, उस गांव के एक बच्चे को, दो बच्चे को जो पढ़ा लिखा है, 12वीं पास है, कॉलेज पढ़ रहा है, उसको एक तो रोज़गार मिल जाएगा गांव में, उन बच्चों को पढ़ाएगा अपने गांव को,
वो आगे धीरे से बढ़ जाएंगे। जो बेसिक चीज़ जैसे गांव में 90% 95% यानी 99% माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, तो अपने बच्चों को देख क्यों नहीं पा रहे? हम कभी इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, क्यों पीछे रह जा रहा है उसका बच्चा? क्योंकि उसको तो समझ है ही नहीं, खुद ही नहीं पढ़ा लिखा है। 8वीं 10वीं कैसे भी उसने पढ़ा अपने ज़माने में या नहीं पढ़ा, यही हमें जो हमारे बच्चों को इन बच्चों को पढ़ाए, इनके बच्चों को सुबह शाम लगा रहे। तो अगर हम शहर से 4-5 हज़ार लोग इस तरह खड़े हो जाएं कि भाई हम एक गांव को गोद ले लेंगे और 5-10 हज़ार हम खर्च करेंगे, तो 5-10 हज़ार लोगों को जॉब मिल गई सीधे सीधे, उनका अपना पढ़ने का एक अलग तजुर्बा हो जाएगा, वो शहर जाके पढ़ सकता है क्योंकि उसके पास भी पैसे की कमी थी, गांव में रह रहा है, इसका मतलब शहर नहीं जा पा रहा है तो पैसे की कमी है, तो उसको रोज़गार मिला, बच्चों को पढ़ाया उसने, दो फायदे होंगे और पूरे समाज की कनेक्टिविटी आपस में जुड़ जाएगी कि किसी पे द्वंद नहीं होगा। बिहार जीता जागता उदाहरण था जिसमें मिडिल क्लास बहुत कम था, लोअर क्लास बहुत था, हायर क्लास था, इसीलिए वहाँ जातीय समीकरण बने, खूब लड़ाई झगड़ा लोगों ने किया। जब भी किसी शहर में, किसी इलाके में, किसी राज्य में मिडिल क्लास नहीं होगा तो इस तरह का होगा, लेकिन पैसे वाले या मिडिल क्लास नीचे वालों को भाव देने लगे तो ये द्वंद ही खत्म हो जाएगा। जैसे आपके 4-5 भाई हैं, उसमें से एक कलेक्टर बन गया, एक कुछ नहीं कर पा रहा है, दो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, क्या होगा? जैसे कलेक्टर साहब ने अपने बेटे की शादी की, बेटा बड़ा हुआ शादी की, अपने उसे गरीब भाई को भाव नहीं दिया था पूरी ज़िंदगी, तो जब भी आएगा, जब शादी में बुलाया तो एक तो फटे हाल पे रहेगा, तो उसको किसी से मिलवा नहीं पाएगा और जब भी कुछ होगा तो उसके बच्चे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, ना उसका फंक्शन होने देंगे ना कुछ होने देंगे। क्यों नहीं होने दिया? कि उसने अपने भाई के जो बच्चे थे उनको भाव नहीं दिया समय से। अगर उसने भाव दिया होता तो उसके बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख जाते, जब फंक्शन होता है कुछ इस तरह का होता तो उसके बच्चे आगे बढ़ के काम कर रहे होते, मदद कर रहे होते, लड़ाई झगड़ा विघ्न नहीं पैदा करते। वैसी समाज को भी ज़रूरत है कि जो लोग सक्षम हो गए हैं वो नीचे तरफ जाएं। समाज को भी ज़रूरत है जो लोग सक्षम हो गए उनको नीचे की तरफ जाना चाहिए। जिस तरीके से आज बात राकेश पटेल जी से टीच टू ईच, मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो इस समय मुझको देख पा रहे हैं, टीच टू ईच एक ऐसी संस्था बनाई जो कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को, खास कर से बच्चियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम कर रही है और हर साल एक दौड़ भी कराते हैं, रन भी कराते हैं। डॉक्टर साहब, ये दिमाग में कैसे आया? दिमाग में आने के लिए तो ऐसा है कि मैं जब इंदौर में था, इंदौर से मैं रीवा आया एज ए बॉन्ड, मतलब रीवा में रूरल बॉन्ड के लिए आया था। एक साल का सरकारी वो था कि आपको एक साल सर्विस करनी है गवर्नमेंट की और उसके बाद आपको फिर आप फ्री हो जाएंगे। तो उस बॉन्ड के लिए मैं रीवा जब आया तो चूंकि मेरा पैतृक गांव बुढ़वा रायपुर कल्चरियान ब्लॉक में आता है, जब मैं वहाँ एक दिन गया ऐसी, वहाँ मैंने जब यहाँ नौकरी ज्वाइन की तो मुश्किल से 37,000 रुपीज़ सैलरी थी मेरी, 2012 लास्ट की बात है, 2013 शुरुआत था। तो मैं जब गांव गया तो मैंने गांव में 5वीं क्लास जो मेरे बच्चे पढ़ते थे गाँव के सरकारी स्कूलों में, मैं उनसे बोला कि अपना नाम लिखिए, तो अपना नाम भी ठीक से लिख नहीं पा रहे थे। तो मैं ये सोचकर अस्तब्ध था कि यार मेरे यहाँ जो बच्चे हैं मेरे गांव के है, और ये बच्चे अपना नाम नहीं लिख सकते, अपना सोचिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मैं मान लो पढ़ लिख के डॉक्टर हो गया हूँ, लेकिन इससे इस गांव पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला अगर मैं वापस इंदौर चला जाता हूँ। तो मैंने ये तय किया कि क्या कर सकता हूँ मैं इनके लिए बेहतर। तब मेरी वाइफ वहीं इंदौर में रहा करती थी क्योंकि हमें ये था कि एक साल में वापस लौट जाएंगे। तो मैंने गाँव में पता किया, तो एक बच्चा था हमारे गाँव में, वो एम ए किया था हिंदी से, वो ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को गाँव में, लेकिन गांव में जो लोग थे उसको 100 रुपये भी उसकी फीस थी ट्यूशन, वो देते नहीं थे टाइम पर उसको, तो उसका मन नहीं लगता था पढ़ाने में। तो मैंने उसको थोड़ा लालच दिया, मैंने कहा कि मैं तुझे अपने गांव, मैं तुझे एक बच्चे का 500 रुपये दूंगा, तू मेरी तरफ से गांव के बच्चे पढ़ा। तो हमने ऐसे गाँव में एक टेस्ट लिया ऐसे ऑर्डिनरी, उसमें से 5 बच्चे चूज़ कर लिए जिनको कुछ भी नहीं आ रहा था, मतलब वो भी ऐसे 100 में 6 नंबर जो पाए जो सबसे ज़्यादा नंबर थे उसमें। फिर हमने वो टेस्ट लिया, 5 बच्चे लिए, 5 बच्चों को 7 महीने हमने पढ़ाया और उसको 500 रुपये सैलरी देता था मैं 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। वो भी बहुत खुश था क्योंकि अब उसको टाइम पर पैसे मिल जाते थे और 5 ही बच्चे पढ़ाने थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि नवोदय का एग्ज़ाम हुआ, एंट्रेंस नवोदय दिलाया हमने 7 महीने बाद। उस साल मेरे गांव से 2 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हुए उन 5 में से, और पहली बार मेरे गाँव में पहली बार कोई बच्चा 70 साल की आज़ादी के बाद पहली बार कोई बच्चा नवोदय स्कूल पढ़ने गया था। तो गाँव में लोगों को ऐसा लगा कि मतलब मुझे भी खुद ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा काम है, मतलब 2,500 रुपये 8 महीने, मतलब 20,000 रुपये खर्चा, 20,000 में 2 लाइफ चेंज हो गई। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है एक तरह का कि 20,000 में 2 ज़िंदगी बदल जाएं। फिर मैंने सोचा कि इसको हमको और बढ़ाते हैं। फिर मैंने रीवा रहने का फैसला किया, मैडम को यहाँ बुला लिया, क्वार्टर अलॉट कराया, प्रैक्टिस शुरू की और एक गांव से 5 गांव ऐसा करके 6-8-10, फिर कुछ साथी जुड़ते गए, सर लोग से हेल्प मिली हमें
और जो हमारे कुछ डेडिकेटेड साथी थे जो बिना पैसे के वॉलंटरली, मास्टर प्रदीप दो, संजीव हैं, अशोक हैं, उमेश हैं, वकील साहब हैं, कमलेश्वर जी लोग हैं, कौशलेश जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो बिना पैसे के इस काम के लिए करने को तैयार थे। तो ये हमें थोड़ा सा मनोबल मिला कि चलो कुछ वॉलंटियर्स ऐसे जो मतलब पेपर बनाते थे, टेस्ट लेते थे, रिजल्ट बनाते थे, काउंसलिंग करते थे, विजिटिंग करते थे, मॉनिटरिंग करते थे, ऐसे करके धीरे धीरे आज की डेट में हमारे पास लगभग 40 गांव हैं। हम सिंगा पर हमारा फोकस है वो बहुत ही कम है। मैंने खुद हमने सर्वे किए हैं तो मैक्सिमम जो स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल रीवा के, मैंने रायपुर ब्लॉक की बात करूँ तो जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पाँचवीं तक की क्लास में दो ही शिक्षक हैं, मैक्सिमम स्कूल में सिर्फ दो शिक्षक हैं। मैं बीच में रोकूंगा, मैं एक मेडिसिन के डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता दूँ जानकारी के लिए, और सुपर अस्पताल के डॉक्टर से मैं बात कर चुका हूँ। आप कल्पना करिए जिसके पास रीवा में बात करने की फुर्सत नहीं होती, इतने मरीज होते हैं, लगातार व्यस्त होते हैं, उनका शिक्षा को लेके किस तरीके से डाटा है, डाटा के बारे में आप क्या कह रहे थे? तो वही मैं कह रहा था कि जो हमने लगभग वाली यहाँ वो किए हैं तो उसमें मैक्सिमम 90% जो स्कूल हैं वो प्राइमरी स्कूल में सिर्फ दो ही शिक्षक हैं। अब आप ही सोचिए आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसमें पाँच तक क्लास तो है पर शिक्षक सिर्फ दो ही हैं। अब दो शिक्षक हैं तो वो एक से तीन तक एक क्लास बैठाते हैं और चार से पाँच एक साथ बैठाते हैं। अब वो जो पहली क्लास का जो बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता, काका का सिखाना है, तीसरी वाले बच्चे को वही सिखाना है और उनको मिड डे मील भी व्यवस्था भी करनी है, तो इस तरह से करके वो शिक्षक मुझे लगता है कि मजबूरी में ही सही खाना पूर्ति जैसा काम कर पा रहे हैं और वो किसी तरह से ये चाहते हैं कि बच्चा मिड डे मील खा पी करके और वापस चला जाए, अटेंडेंस लग जाए उसकी। वरना आप ही बताइए इसमें शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बनाई जा सकती जिस स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। अरे उस स्कूल में और चीज़ें तो छोड़ दीजिए, अब आप अगर आप विद्यालय जाएंगे कहीं भी तो वहाँ स्कूलों पर लाइट नहीं है, लैट्रिन बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है, तो पानी की व्यवस्था नहीं है। यार ऐसी स्कूलें जो चल रही हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि समाज के कम से कम नहीं तो, जैसे मेरे गांव की मैं बात करूँ, मेरे गांव में आठवीं तक का स्कूल है उसमें करीब लगभग 70 बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी कितनी स्कूल हैं जो पाँचवीं तक हैं उसमें 55 बच्चे हैं, 50, मैं पूछता रहता हूँ तो 50 बच्चे पढ़ते हैं, सपोज कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें दो टीचर हैं, तो वो जो 50 भविष्य है वो तो पहले ही खत्म हो गया भाई। आपने ये आज ही तय कर दिया कि वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि अब वो जब स्कूल में कुछ व्यवस्था ही नहीं है पढ़ने की तो पढ़े कैसे? स्कूल में व्यवस्था नहीं है, आधे से ज़्यादा रीवा के स्कूलों का ये हाल है। कक्षा 5 कक्षा 8 तक के स्कूल हैं लेकिन टीचर एक है, तमाम जिम्मेदारियां उसके पास हैं, टीचर कम है, क्लर्क ज़्यादा है, मिड डे मील पर उसकी नज़र ज़्यादा है, उस तरीके से उस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चों का जीवन स्तर किस तरीके से उठेगा उसी को लेकर ये आज अपने स्क्रीन पर जो टीम देख रहे हैं वो काम कर रही है, लगातार लोगों के बीच में जा रही है, अपने पैसे खर्च करके बच्चों को पढ़ा रही है। क्या आपको लगता है कि आप लोग का एकल प्रयास, ये दो जो डॉक्टर मौजूद हैं, अगर काफिला जैसे आप लोग का बन गया तो ये काफिला लगातार बनता रहेगा और इसी तरह से एजुकेशन की मसाल चलती रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि कारवां तो धीरे धीरे ही बनता है और बढ़ता है, एक से दो, दो से चार, चार से दस, जब लोग देखेंगे कि यार कुछ लोग इस तरह के लोग जुड़ रहे हैं तो और लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर राकेश का टीच टू ईच चलता है तो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रोत्साहन का है कि यार हम कर सकते हैं, ऐसा समाज के लिए कुछ देना है। हमेशा हर आदमी को समाज से हमने बहुत कुछ लिया है और जो भी है हमारे पास सब समाज का ही है। समाज से लिया है, समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है, जो आपको इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? हम हर किसी आदमी को जो समाज ने दिया है उसको हमें कुछ तो प्रतिशत वापस करना ही करना है, ये मन में जब भी हम सब बिठा लेंगे समाज सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएंगे, गांव सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा। डॉक्टर साहब समय इजाज़त नहीं देता बहुत सारी बातचीत करने की, हालांकि आपसे बहुत सारी बातचीत करनी थी। इस समय स्क्रीन पर जो लोग देख रहे हैं एजुकेशन को लेकर, ये जिस तरीके से शिक्षा को लेकर एक चौपाल चलाई जा रही लगातार, क्या कहेंगे, क्या मैसेज है? शिक्षा की चौपाल प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा है, ऐसे कई गाँव में हम लोग ऐसा करते हैं, अभी करौंदी में, टीकर में, गुड़ में, मतलब बहुत सारे गांव में हमने शिक्षा की चौपाल की है। और हमारा सिर्फ शिक्षा की चौपाल करने का मतलब सिर्फ ये कि हम चाहते हैं जो जो गांव के लोग हैं उस समाज से ये बात समझें कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, क्या जो बेसिक फ़र्क है जो
पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे में वो फ़र्क जो है वो क्यों है ऐसा, और जो गांव के लोगों में खासकर हम चाहते हैं सिर्फ ऐसे नहीं कि धन की कमी से ही नहीं पढ़ पा रहे, ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे सिर्फ इसलिए भी नहीं पढ़ पाए कि उनके अभिभावक उतने जागरूक नहीं थे कि उनको पढ़ा सकें। तो शिक्षा चौपाल का मेन इंटेंशन यही है इस ये माध्यम से कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं कि अपने बच्चों को किसी भी तरह से अच्छी शिक्षा दें। सर जैसे कह रहे थे, एक साथ बस मैं बात करूँगा कि मैंने ये बात सीखी अपनी कमाई से कि मैं समझता हूँ जितना मुझे समाज से मिलता है मैं 10% उसको वापस कर दूँ, इसलिए कि मैंने जब एक आकलन किया कि मैं ये देखा कि अगर मुझे 2,70,000 रुपये में नहीं होगा तो 3,00,000 में भी नहीं होगा, मतलब अगर मैं 10% उसका खर्च कर देता हूँ समाज के लिए तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि समाज से मुझे बहुत कुछ मिलता है। और अगर मैं ये सोचता हूँ कि उस 10% को मैं अपने लिए यूज़ कर लूँ तो निश्चित तौर पर उसका कोई मतलब उससे कोई बदलाव नहीं आएगा मेरे अंदर, लेकिन समाज का जो बदलाव होना है वो वंचित रह जाएगा। तो इसलिए 10% का रिटर्निंग मैं समझता हूँ हर किसी के लिए जरूरी है। 10% का रिटर्निंग समाज को वापस करना जरूरी है, ये कहना था इस टीम का जो लगातार शिक्षा को लेकर चौपाल लगाकर लोगों को एजुकेशन करने का काम कर रही है, उनको पढ़ाई क्यों जरूरी है इसके बारे में बता रही है। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, हम लगातार शिक्षा को लेकर लगातार इनकी चौपाल में आगे भी आएंगे और जो कुछ वहाँ पर होगा उसको एक नए गांव से नई जगह से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।